सो यस, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस शॉर्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आईएफएससी कंपनी। दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है, जब भी हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी प्रोविजंस पढ़े थे, मेजॉरिटी ऑफ दी प्रोविजंस में कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ आता था कि आईएफएससी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी को यहां पर एग्जम्पशन है, या यहां पर इनको इस पर्टिकुलर प्रोविजन में रिलैक्सेशन ज्यादा दी गई है। से फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी दूसरी कंपनी को अदर देन आईएफएससी कंपनीज की यदि हम लोग बात करें, तो वहां पर उन लोगों को जो भी फॉर्म फाइल डिक्लेरेशंस करने पड़ते थे विद आरओसी, तो से फॉर एग्जाम्पल अदर देन आईएफएससी कंपनी किसी को 30 डेज में करना पड़ता था, तो आईएफएससी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया था कि इनको 60 डेज तक भी ये लोग कर सकते हैं। ऐसे हमारे इस कंपनीज एक्ट 2013 के 470 सेक्शंस अलोंग विथ रूल्स में काफी सारे प्रोविजंस हम लोगों को ऐसे मिलेंगे जहां पर आईएफएससी कंपनी को लेकर ना रिलैक्सेशन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग असल में समझते हैं कि आईएफएससी कंपनी क्या है। दोस्तों, ये आईएफएससी कंपनी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। ओके, पहले पूरा एक बेसिक रोड मैपिंग समझ लो इसकी, कि बेसिकली आईएफएससी कंपनी क्या है। आईएफएससी कंपनी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। अब सुनना यार, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्यों, शॉर्ट में इनको बोला जाता है आईएफएससी, बोले आखिर क्यों ऐसा। तो दोस्तों, आप बात उस समय की कीजिए, या हम लोग बात उस समय की करते हैं जब यदि किसी भी इंडियन कंपनी को आउटसाइड इंडिया, या किसी भी आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी को इंडिया में यदि इन्वेस्टमेंट करना होता था, तो उनको चाहे आप सेबी बोल दो, फेमा बोल दो, आरबीआई बोल दो, नॉर्मल लोकल कंप्लायंस इतने सारे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से ना वो कंपनी वाले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज को आइडेंटिफाई किया, और जब गवर्नमेंट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस बनाना चाहिए जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, जहां पर एक बार यदि कोई कंपनी आए, अपनी एप्लीकेशन दे, और एप्लीकेशन देने के बाद में यदि उस इंडियन कंपनी को आउटसाइड इंडिया यदि फंड भेजना है, या आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी को यदि इंडिया में फंड लाना है, तो वो इजीली ला सकती है। इसी इंटेंशन से हमारे यहां पर एक गिफ्ट सिटी बनाई गई, नाम दिया गया गिफ्ट सिटी। नाम दिया गया दोस्तों उसको गिफ्ट सिटी। और गिफ्ट सिटी मतलब आप ऐसा मत समझना कि यार किसी शहर का या किसी सिटी का नाम होगा, उसका निकनेम होगा गिफ्ट। नो मालिक, नो, इस गिफ्ट का मतलब हुआ गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक, ठीक है, या फाइनेंस टेक भी बोल सकते हो आप इसको, पूरा पूरा बोल दो फाइनेंस टेक। ओके, फाइनेंस टेक, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। आपको पता है समवेयर नियर बाय गांधीनगर, ठीक है, समवेयर नियर बाय गांधीनगर एक एसईजेड बनाया गया, और इस एसईजेड में, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इस एसईजेड में यह बोला गया कि जो भी कंपनी आईएफएससी बनना चाहती है उनको इस पर्टिकुलर टेरिटरी में ही आना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू शो, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। गिफ्ट सिटी, कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए भाई, ये कुछ इस तरीके से नजारे हमारी गिफ्ट सिटी के, और देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, गिफ्ट सिटी लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट। ये इस तरीके की गिफ्ट सिटी है भाई, जहां पर क्या हुआ है पता है, सारी की सारी आईएफएससी कंपनियों ने अपने ऑफिसेस सेटअप कर दिए, और यहां पर बोला है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर बोला है कि जो भी कंपनी आकर यहां पर इस गिफ्ट सिटी में बिजनेस करेगी, सबसे पहली चीज तो उसको स्टेटस मिल जाएगा आईएफएससी कंपनी का, और आप यहां पर जो भी इनकम कमाओगे उस इनकम पर आपको यूनिट नॉट टू पे एनी टैक्स, आपको किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। पर यहां पर जाने के लिए ना आपकी औकात होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है भाई कि हम कोई हमारी छोटी मोटी कंपनी बना ले, आप और मैं अपनी एक छोटी मोटी कंपनी बनाकर हम लोग गवर्नमेंट को बोले कि गवर्नमेंट जी, हम आ रहे हैं गिफ्ट सिटी में, प्लीज आप हमको भी ऑफिस अलॉट करो, हमको भी प्लेस अलॉट करो, हम भी आईएफएससी कंपनी बनकर बिजनेस करना चाहते हैं, हम इंडियन कंपनी, हम इंडिया से आउटसाइड इंडिया पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं मालिक, आपको गिफ्ट सिटी में आने के लिए कम से कम आपकी औकात होनी चाहिए, और औकात का मतलब यह है कि आपकी कंपनी की जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो कैपिटल ना $1 मिलियन होनी चाहिए।
तो कम से कम यहां पर जाने के लिए एक प्रिस्क्राइब कैपिटल होनी चाहिए। यदि आपकी वो प्रिस्क्राइब कैपिटल नहीं है, प्रिस्क्राइब टर्नओवर नहीं है, आपकी कंपनी की प्रोफाइलिंग वैसी नहीं है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने आपको उस तरीके की एक प्रायोरिटी सेगमेंट वाली कंपनी डिक्लेयर करके नहीं रखा हुआ है, तो यू कैन नॉट एस्टेब्लिश योर यूनिट इन आईएफएससी कंपनी, इन आईएफएससी जोन। तो जो आईएफएससी जोन मतलब गिफ्ट सिटी, और गिफ्ट सिटी मतलब ऐसी सिटी या ऐसा एरिया या ऐसा एसईजेड की टेरिटरी जहां पर केवल और केवल जगह किसको मिलती है, आईएफएससी को ही जगह मिलती है। तो गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो आईएफएससी है, अभी आईएफएससी या तो प्राइवेट भी हो सकती है एंड पब्लिक भी हो सकती है। और हम लोगों ने यहां पर बोला कि जो भी आप एक्टिविटीज करोगे उन एक्टिविटीज पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। तो जैसे ही ये गिफ्ट सिटी खुली थी ना, सबसे पहले बीएससी एंड एनएससी, ये बीएससी एंड एनएससी ने क्या किया था पता है, अपने स्टॉक एक्सचेंजेस वहां पर एस्टेब्लिश किए थे। और जब इन्होंने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस वहां पर एस्टेब्लिश किए, मतलब वहां पर जो भी ट्रेडिंग होगी, जो भी कंपनियां इनके बीएससी और एनएससी के थ्रू उस पर्टिकुलर टेरिटरी में ट्रांजेक्शन करेगी, ट्रेडिंग करेगी, तो मालिक उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इनको बहुत जबरदस्त टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। एंड नाउ अब ये जो आईएफएससी कंपनीज है, ये आईएफएससी कंपनीज जो है वो स्टार्टअप्स के लिए भी काम कर रही है। दूसरा, ग्रोथ प्लान ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ग्रोथ प्लान के लिए भी काम कर रही है ये। तीसरा, फ्री मनी फ्लो, और वो भी कैसा, क्रॉस बॉर्डर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये इसके लिए भी काम कर रही है। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, इतना सा ही कॉन्सेप्ट था ये आईएफएससी के लिए। बेसिकली आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, हां इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, अभी अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 27 अप्रैल 2020 में एक एक्ट भी बना है, जिसको नाम दिया गया है आईएफएससी एक्ट 2019, तो ये एक सेपरेट एक्ट बन गया है ना, गिफ्ट सिटी, मतलब इसको नाम दिया गया गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, ओके। और ऐसा करके ये एक नियर बाय गांधीनगर वडोदरा के बीच में कहीं पर ये एसईजेड बना हुआ है, जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, गवर्नमेंट इनको ईज देती है ताकि आप आओ और इजीली अपने बिजनेस को सेटअप करो। इसी इंटेंशन से यहां पर आईएफएससी कंपनी होती है। आईएफएससी कंपनी में भी प्राइवेट एंड पब्लिक, आपकी औकात होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको एप्रोप्रिएट रेटिंग मिली होनी चाहिए, तभी जाकर आप यहां पर क्या कर सकते हो, अपनी यूनिट एस्टेब्लिश कर सकते हो। और इवन यहां पर इंडियन कंपनीज भी होती है, और इवन दो कोई आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी भी यहां पर क्या कर सकती है, अपनी यूनिट सेटअप कर सकती है। मिलता हूं आप लोगों से कुछ इसी तरीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।